सर ये सब सवाल है, अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, ऐसा करते हैं, इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है, संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है, इस बारे में आप चूंकि एक जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जो उन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं, अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो, गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग अपने उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो, तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं।